नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों आज एक नए अपडेट के साथ आपके बीच फिर हाजिर हुए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरनाला पंजाब द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर यह भर्ती है। तो इसमें जो आपने एप्लीकेशन जो देनी है वो प्लेन पेपर पे देनी है और उसके साथ आपने दो पासपोर्ट साइज़ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ लगाने हैं और अपना कंप्लीट बायोडाटा की अटेस्टेड कॉपी वो साथ में इसमें लगानी है। और आपने जो वर्किंग डे हैं उनमें 10 बजे से 5 बजे तक आपने इनके ऑफिस में जमा करवाने हैं और 6 नवंबर 2019 इनकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने ये अपने फॉर्म फिल करके जमा करवाना है। तो इसमें पोस्ट का जो नाम दिया है वो क्लर्क और खाली पोस्टें कितनी हैं इनकी वो 7 हैं। और इसमें जो रिजर्वेशन जो पोस्टों पे रहेगा वो इनके जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो इनके नियम हैं या इनकी जो पॉलिसी है उसके अनुसार दिया जाएगा। और इसमें पे स्केल जो इन्होंने यहाँ दिया है वो 10,300 रुपये से 34,800 रुपये पे स्केल है और इसमें 3200 रुपये इनका ग्रेड पे रहेगा। तो एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है इनकी वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में इसमें आपको पंजाबी जो लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो एज लिमिट इन्होंने यहाँ दी है वो आपकी एज जो है वो जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 37 साल और आपकी एज की जो गणना की जाएगी वो 1/10/2019 के अनुसार की जाएगी। और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो इनके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो जैसे भी इनके रूल रेगुलेशन हैं उनके अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। तो इसमें जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये पोस्ट है तो इसके टोटल पद जो हैं खाली पोस्टें हैं वो 3 हैं। तो इसमें भी जो जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो रिजर्वेशन इसमें पोस्टों में दिया जाएगा वो एज पर रूल दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका पे स्केल जो स्टेनोग्राफर के लिए रहेगा वो 10,300 रुपये से 34,800 रुपये रहेगा। तो इसमें स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड पे इन्होंने यहाँ 3600 रुपये दिया है। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो बैचलर डिग्री के साथ में आपने पंजाबी लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है और इसमें आपको शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग की वो स्पीड है वो आपकी 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से होने चाहिए और साथ ही इसमें कंप्यूटर टाइपिंग की जो स्पीड है वो 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी होने चाहिए और कंप्यूटर में जो प्रोफिशिएंसी है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग की वो आपको होनी चाहिए। तो इसी में जो जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें भी 18 से 37 साल की जो एज लिमिट दी है वो और वो गणना है जो एज की वो 1/10/2019 के अनुसार, अदर कैटेगरी के लिए इनके जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो नियम हैं उनके अनुसार एज में छूट दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये प्रोफॉर्मा दिख रहा है आपको जो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपने अपना ये क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए सेम ये प्रोफॉर्मा है। तो इसमें 10 कॉलम हैं, 10ों आपने अपने पूरे ध्यान से भरने हैं। तो इसमें जो इन्होंने यहाँ नोट दिया है तो इसमें कहा है इन्होंने अटेस्टेड कॉपी जो है आपकी वो प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ वो आपने इसके साथ अटैच करनी है और 10 बजे से 5 बजे तक इनके ऑफिस में जमा करवानी है। और इसमें जो ओनली शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मेरिट लिस्ट है उन्हीं को इसमें टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसमें जो जो भी कैंडिडेट इनके जो जुडिशियल डिपार्टमेंट की जो वर्क एक्सपीरियंस है उनको उन्हीं कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। और जो आपकी डेट है जो टेस्ट इंटरव्यू की वो इनकी जो ये वेबसाइट यहाँ दी है इस वेबसाइट पे आपने चेक करते रहना है।
इसी पे इनकी डेट आएगी। तो इसमें जो वेबसाइट दी है इनकी वो डिस्ट्रिक्ट ecourts.gov.in इंडिया पंजाब बरनाला रिक्रूटमेंट। तो इस पे आपने ये देखना है, टाइम टाइम पे आपने चेक करना है, इसी के ऊपर आपकी जो डेट टेस्ट इंटरव्यू की है वो इसी पे डाली जाएगी। और इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया है कि आपकी जो इशूइंग जो अथॉरिटी है उससे अपना सर्टिफिकेट बनवा के और इसके साथ लगाना है, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो पंजाब वालों के लिए विशेष ऑफर है इसमें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट के साथ आपके बीच फिर हाजिर होते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।